कम्युनिटी जहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। उनका रोजा बाहर खुलेगा, हम लोगों का यहाँ अंदर खुलेगा। क्या कर रहे हो तुम? मेहंदी की लाइनें लगी हुई है, फ्रेश बर्गर्स बन रहे हैं। मैं ज्वेलरी देखने आई थी, मेरी बेटी ने मेरा जूता पकड़ा हुआ है, सद के जाओ। हानिया की मेहंदी स्टार्ट हो गई है, हमें मतलब की लड़की नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमजान का लास्ट डे है और यहाँ पे चांद रात है। रमजान का आखिरी दिन गुजर गया, अब अफ्तारी होने वाली है और चांद रात आ गई है, तो रमजान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोजों के साथ निकल गया। तो इंशाल्लाह देखिए, पता भी नहीं चला रमज़ान कैसे गुजर गया। तो हम लोग अब जा रहे हैं, हमारी आज ना मुस्लिम कम्युनिटी जो मेरी मतलब पर्सनल जो मेरा एरिया है ना, वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ने मिलकर आज चांद रात की खुशी में अफ्तारी रखी हुई है, जिसपे हम सबको ईच ईच मतलब पॉटलक रखी हुई है एक्चुअली। तो मेरे अंडर जो है वो डोनट्स और कपकेक्स आए थे, बाकी जहाँ जाके सबके अंडर डिफरेंट डिफरेंट डिशेज जाकर आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ कि हम लोग आज अफ्तारी कैसे करते हैं मिलके और चांद रात कैसे बनाते हैं। चले जी मेरे साथ। मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 5 मिनट की वॉक पे है, लेकिन मैं गाड़ी में जा रही क्योंकि एज यूजुअल हसल लेट है। तो मैंने कहा मैं टाइम पे पहुंचूं, क्योंकि मेरे अंडर मीठा है, उन्होंने मीठा जहाँ लगाना होगा मीठा लगाएंगे। तो हम जैसे लोग जो हैं वो थके हारे जॉब से आए हैं, आके फटाफट मुंह तो है तो कपड़े पा लेते हैं, है ना, ऐसे किया ना। बिल्कुल, तभी मुँह इतना सूझा हुआ। हाँ, तो क्या करें, अब जाहिर सी बात है नींद पूरी नहीं हुई तो फिर ऐसे ही होता है। रमज़ान का देखिए पता ही नहीं चला कि रमज़ान कब आया और कब चले गया। अल्लाह मियाँ सबकी दुआ को कबूल फरमाए, किसी के बदौलत मेरी दुआ को भी कबूल फरमाए, अल्लाह मियाँ सबके रोज़ों को कबूल फरमाए। पहुँच गई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी कम्युनिटी हमारे लिए क्या क्या इंतजाम करके बैठी हुई है। है जी हमारी कम्युनिटी जहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं और अब हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या है मेन्यू में आज। इतना ज़्यादा मीठा माशाल्लाह से, और पिज़्ज़ा है और आई डोंट नो, और ये भी मीठा है, आइसक्रीम, ओके, चाय, अभी सब कवर है, चाट एंड ये देखिए जी रश माशाल्लाह सारा पूरा खुल गया है। पन्नी मच गई यहाँ पर, आदमी बाहर है, वो बाहर रोज़ा खोल रहे हैं माशाल्लाह से। उनका रोज़ा बाहर खुलेगा, हम लोगों का यहाँ अंदर खुलेगा। तो चले जी हम रोज़ा खोलने हैं। अफ्तारी से फारिग हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं चांद रात मेला पे। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहों पे चांद रात मेला लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे अब ये कंफर्म नहीं पता कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा। और अब जी हम लोगों ने दो दो गाड़ियाँ निकाल ली हैं, बल्कि 3 गाड़ियाँ निकलेंगी, क्योंकि एक मैंने एक ड्राइव की है करनी है, कज़न ड्राइव करेंगे और एक वहाँ पे मदिया ड्राइव करेगी, मदिया बुरहान वगैरह ड्राइव करेंगे, क्योंकि अम्मी मायरा हम सब ने इकट्ठे निकल के जाना है। तो बस फिर अब हम लोग जाने लगे हैं और वहाँ जाके फिर आपको वहाँ का माहौल दिखाते हैं। गाड़ियों का कितना का यहाँ पर रश है, अभी सिर्फ बाहर पार्किंग ही हमें कहीं मिल रही और हम लोग तकरीबन 15 मिनट से पार्किंग ढूँढ रहे हैं जो कि हमें नहीं मिल रही। और ये आप गाड़ियों का हाल देख सकते हैं। क्या कर रहे हो तुम? पार्किंग ढूँढ रहे हो? देखें यहाँ पर खानों के बाहर और मेहंदी की लाइनें लगी हुई हैं। नाचोस खाने आनिया पूरम, ये देखें, लेट्स गो। यहाँ पे फ्रेश बर्गर्स बन रहे हैं और यहाँ पे क्या बन रहे हैं पता नहीं, यहाँ पे भी बर्गर्स बन रहे। इन्होंने रोका हुआ है, देखिए हम लोगों को पहले जो कह रहे हैं अंदर जगह नहीं, पहले बाहर वाले निकल, अंदर वाले निकले फिर हम जाएंगे अंदर। तो अब हम लाइन में लगे हुए वेट कर रहे हैं अंदर जाने का।
behind you, sitting that door. हमें अंदर आने का टाइम मिला है और यहाँ से शुरू करते हैं. कम समय के लिए देखें अंदर. आप ब्रश भी आए देखने. ये देखिए मैं ज्वेलरी देखने आई थी. ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी लेकिन ये मेरा साइज ही नहीं है इसमें. देखें क्या पसंद आता है वो लेते हैं. हुए हैं और मुझे ये अच्छा लगा है. देखते हैं इसमें साइज मिलता है तो फिर हम लेते हैं. और ये मेरी बेटी ने मैं जूता पकड़ा हुआ है सद के जाऊँ. देख लें आप रश का हाल देख लें हर जगह. हम दूसरे वाले में आए हैं. यहाँ पे ये हालात है जी. यहाँ तो गाने चल रहे हैं मेहंदी कम गाने ज़्यादा. यहाँ पे सर गाने ही चल रहे हैं. सड़ा हुआ सारा प्लान ही है हमारा. अब इतने दूर आए हैं क्योंकि यहाँ पे सुकून होगा. यहाँ पे उतना ही बुरा हाल है. गंदी गंदी छोटी लगी हुई यहाँ पर. हानिया की मेहंदी स्टार्ट हो गई है. हानिया की ये मेहंदी लग रही है. ये देखिए हानी तुमने क्या लगाई है सिंपल इतनी. ये हानिया की लग रही है. और अब इसके बाद में मेरी बारी आएगी. और इनका हाल देखें क्या कर रहे हो यहाँ पे. कोई मतलब की लड़की नहीं मिली. कोई मतलब की लड़की नहीं मिली. इसलिए सैड हो. अच्छा अच्छा बेचारे सैड खड़े हुए है ना. मजा नहीं आया आज तो. नहीं क्या बोल रही है. बहुत ज्यादा मजा आता है क्रिस्टल में लेकिन वहाँ रश बहुत था. ओवरक्राउडेड हो गया था. और आपने मेहंदी नहीं लगवानी. क्यों क्या लगवा रहे हैं. तो बॉयज करने क्या आए हैं फिर मेहंदी वाली जगह पर. हाँ यहाँ से कोई गाने गाने वाली बुलाई है इन्होंने जो आपको गाना गा रही इतना हंसी. मेहंदी हमारी लग चुकी है और हुरम की भी लग गई है. और हुरम को कहाँ जाना है. खाने. हुरम को मैकडॉनल्ड जाना है खाना खाने. और हसन आपको कहाँ जाना है. हसन वाकई घर जाना है. अभी हम लोगों ने घर जाके कपड़े निकालने हैं उनको आयरन करना है. आयरन करने के बाद फिर जाके कहीं मैंने सोना है क्योंकि मैंने सबके कपड़े आयरन करने होते हैं ना. हसन के हादिया के हानिया के हुरम के सारे डब्बरे कपड़े प्रेस करूँगे फिर सोऊंगी इंशाल्लाह. और सुबह मैंने एक ब्रंच पे जाना है और रात को फिर ईद मिलन पार्टी पे जाना है. कहाँ रुके हो. मैकडॉनल्ड जो तुम लोगों की आदत है घर जाते हुए सबसे पहले वापसी घर से पहले जो है जहाँ रुकना तुम लोगों ने. मैं तो मोका फ्रैपे पीती ही नहीं हूँ. एक्टिंग हानिया फ्राइज और मोका फ्रैपे तुम एप्पल पाए और मुझे सुला भी नहीं. हाँ अभी दिखाऊंगी. ये तो सारी जो मोका फ्रैपे आ रही है किसकी आ रही है ये सबूत है. नहीं जी घर वापस आ गए लौट के. बुद्धू घर को आए और अब आके तो मेहंदी शहंदी की सफाइयाँ हो रही हैं उतर रही हैं सारे काम शाम सीधे हो रहे हैं. तो बहुत अयाशी हो गई. घूम फिर लिया सारा. 3 बजे इनकी वापसी हुई है सुबह के. और 8 बजे नमाज है जिसका मतलब 3 घंटे सोना है सिर्फ. फिर उसके बाद उठ के नमाज की तैयारी शुरू हो जानी और सारे सिलसिले. फिर मीठा तो दीवाने बनाया कोई नहीं तो सुबह बनाना पड़ेगा क्योंकि सुनना था मीठा बनाना. शीरमाल बना हुआ पुराना बनाया हुआ बना तो है. फ्रेश होना चाहिए मीठा. समझ आई. मैं वाफल के ऊपर बहुत सारा सिरप डाल के ना वो तुम्हें खिला. होममेड होना चाहिए. वाफल होममेड नहीं है. होममेड बनाऊंगी फ्रेश. हाँ बहरहाल जी तो अब ये है कि हम लोग फिर आपसे इजाजत लेते हैं. ये मेहंदी देख लें जी इनकी कितनी प्यारी लग रही है. और जी मेहंदी प्यारी लग रही है. मुझे तो किचमचोला लग रहा है. एक हाथ हानिया का लगा है मेहंदी वाली से और दूसरा हाथ लगा है तैयबा से. कौन सा मामा ने कौन सा लगाया. ये वाला और ये. कौन सा ये वाला और ये. मामा ने कौन सा लगाया. ये वाला. इतना हल्का सा मामा का है. अच्छा और ये दूसरा वो मुझे किचमचोला लग रहा है. मामा वाला बल्कि मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है. ओके नहीं किया इसका मतलब है कि इसको दूसरा ज्यादा अच्छा लगे. पैसे खर्च के लगवाना होता है. हाँ जो पैसे खर्च के लगे ना उसमें ज्यादा मजा आता है.
तो बहरहाल जी उसमें लगे वो अपने बाप की तरह, वो अच्छी चीज नहीं है। तो आज का दिन हमारा चांद रात आपके साथ कैसी रही, मज़ा आया आप लोगों को, इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। लाइक करने से हमारे में पेट्रोल वाली एनर्जी आती है, ताकि अगले वीडियो के लिए फिर दोबारा हम चार्ज हों। तो फिर आपसे इजाज़त लेते हैं अगले व्लॉग तक के लिए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।